बहुत प्यारा सा कुत्ता मिला, आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखे, वो देख मस्कट की वैली, मस्कट की वैली ये लगे फिटनेस के लिए होता ज्यादा। आप जैसे भी आप इसको, ये पूरा जिम के लिए होता है। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस मैक्सिमम ये 50 रियाल का होता है। और तो आज हम निकल चुके हैं घूमने के लिए। आज हमारे बड़े भाई के साथ आए हुए हैं, ये जा रहे हैं आज इंडिया, तो चलते हैं कुछ शॉपिंग करके आते हैं। ये हमारे हरीश भाई हैं, कंडक्टर भाई साहब। हाय भाई साहब, भाई हेलो, हाय आइए, टिकट 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 निकल गए हैं। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ हरीश तुम किधर जा रही हो? हरीश हमें अलविदा कहने वाले हैं बहुत जल्दी, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं कुछ। हाँ हरिया, कल रात पार्टी ज्यादा होगी, हम तो सोच गए। ये लोग हमें देख रहे हैं, कैसे और कैसे था? बढ़िया, आ जाओ आ जाओ। हाँ वीडियो बनाते हैं कभी कभी, मिलते हैं आपको भी आके। टहनियाँ सारी काट रही है। चल भाई जिंदा, मिलते हैं, निकलते हैं अभी, ठीक है? मिलेंगे एक महीने बाद आपको। बेस्ट ऑफ हैप्पी जनवरी। थैंक यू। हरीश भाई हमारे टैक्सी की वेटिंग में और हम चल रहे हैं, और हरीश को टैक्सी मिल गई फाइनली। बात करते हैं, लेट डन हो गया है टैक्सी का किराया, और ये चल दी है। हरीश भाई चल दिए अपनी मंजिल की ओर, अब हमारी बारी, अब हम चले अपनी मंजिल की ओर। मंजिल की ओर काशी दर पे क्या कहते हैं, ये इंडिया होता था, यहाँ पे ठेले लगे होते, ये बात तो सही है। चलते फिरती दुकान खाते रहो, ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों हमने जाना है इधर से पुल की तरफ, उस साइड से हमें टैक्सी पकड़ दी है, फिर चलेंगे। ये भाई साहब हमारे चल दिए आगे से। एक साल के बाद इंडिया जाना हो रहा है आज। हाँ एक साल के बाद चल दिए वापस इंडिया, एक महीने के लिए। एक महीने के लिए उसको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखे। वो देख देख सकते हैं, फ्लाइट रेडी हो रही है। अभी जाना हमने एयरपोर्ट इधर पे, पर तो थोड़ा घूम लेते हैं। बस लगी हुई है यहाँ पे स्टैंड पे, बस स्टैंड देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है। खाने से हमने सोच लिया कि टैक्सी में जाएंगे, बस थी लेकिन बस से नहीं, हमने डिसाइड किया टैक्सी से जाएंगे। सलामकुम सर, सर हेल क्या बस सैमसंग चाइना मार्केट अनुष्का, तो हो गई हमारी टैक्सी ले ली और हम चल रहे हैं। लड़े इकट्ठा करके दोस्तों हम आ गए अपनी मंजिल की ओर, चाइना मार्केट, ओमान में चाइना मार्केट। तो हम पहुंच गए हैं चाइना मार्केट की गेट नंबर 8 पे। काफी बड़ी मार्केट है, देख सकते हैं। बॉडी ये लेकिन हम निकल But you won't even try to survive you. चाइना मार्केट में भैया मिले यहाँ पे हमें, काफी अच्छे हैं। भैया के पास मसाजर है, तो ये मसाजर गन है, ये ऑल हमारे पास जो प्रोडक्ट पड़े हैं ना, ये पूरे मसाज के हैं, मसाज के आइटम्स आप और इस यहाँ पर फुट मसाजर भी पड़े हुए हैं, ये आप मसाज चेयर भी पड़ी हुई है, गाड़ी में भी लगा सकते हैं और आप घर में भी किसी जगह में लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक सब ऑल टू ऑल हमारे पास हैं, ये चेयर मसाज आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रेस करोगे तो ये आदमी का कोई राग वगैरह चढ़ जाती है ना, हाँ जी हाँ जी, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और आदमी रिलैक्स। वो यहाँ पे इसके एक कार्टन में 4 पीस होते हैं,
हाँ जैसा आपने दिखाया। हाँ ये एक कार्टन में ये देखिए चार पीस के साथ में। ये एक कार्टन में ये चार पीस होते हैं जिसमें आप बॉडी में पूरे में यूज कर सकते हैं, तेल का और ये रीढ़ की हड्डी के लिए और आप मसल वगैरह ये सब यूज कैसे करते हैं। यूज करना सिंपल ही है, यह सिंपल ही है। इसको बस लगाएं, इसको ओपन करके ना आप जब इसको प्रेस करेंगे ना तो आप ये ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, काफी ज्यादा वाइब्रेशन। हाँ ये काफी हो जाएगा। और उसके बाद आप ये रीढ़ की हड्डी के लिए होता है हमेशा, क्योंकि बुजुर्ग हो या कोई बड़ा आदमी थका हो तो उसके लिए होते हैं ये। देखें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 11 रियाल का। हाँ 11 रियाल का है, और उतना मैक्सिमम 11 रियाल या मैक्सिमम 10 रियाल में हम फाइनल कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं। 6 महीने का वारंटी भी होता है। और इसमें आप ऑयल लगा के आप पूरे जिस्म में आप लगा सकते हैं। वो ताहिर कहाँ है? और ये पूरा प्रोडक्ट हमारे पास है, और ये शेविंग के लिए ये भी पूरा हमारे पास वो भी पड़े हैं। जो बंदा मोटी यहाँ पे ना, यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ है ना, आप इधर खड़े होके चलाएंगे तो आप यूज कर सकते हैं। आप टांग भी ऐसे करके, ये टांगों के लिए भी होता है, ये लेके फिटनेस के लिए होता है ज्यादा। हाँ स्पीड देंगे ना। हाँ जी, ये आप इसके ऊपर बैठ के ना आप यूज कर सकते हैं। ये काफी, ये पूरा जिम के लिए होता है। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस मैक्सिमम ये 50 रियाल का होता है, और डिस्काउंट करके 45 तक दे देते हैं। डिस्काउंट करके 45 तक। काफ़ी अच्छी मसाज मशीन है। भैया ओमान में कितना टाइम हो गया आपको? वही से मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे अभी आया हूँ। अच्छा आप इधर पे? हाँ एक साल हो गया। एक साल हो गया आपको? चलो ठीक है फिर निकलते हैं भैया। फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छे लगे हैं। इधर आए भैया की शॉप पे, मसाजर लें और क्या कहते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, जिम के सामान भी हैं। जो चीज़ देंगे डिस्काउंट करके देंगे इंशाल्लाह। हाँ शॉप नंबर 161। ओके चलो भैया चलते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। पर तो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, हम सारी शॉप में नहीं जाते। आपका क्या यूज़ है? कैसा है लेंगे जी? इसमें मोबाइल हमने डाला और मूवी कान पे स्पीकर लगाए और मूवी देखो। वर्चुअल रियल ये आ गया। ये 6 रियल में चल गया। हाँ लग रहा हूँ क्या? हाँ हाँ गुंडा है बहुत प्यारा सा कुत्ता मिला आप देख सकते हैं। मस्कट की वैली, मस्कट की वैली। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको गाड़ी चाहिए बड़े सस्ते प्राइस में, लैंड क्रूजर मिल जाएगी टोयोटा की, यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्यारी है, लेकिन इसके ऊपर बैठ दुनिया का साथ होगा दीजिए। बक्से में चार रुपये में आपको। वाह नहाने की भी क्या क्या चीज़ें आ गई देखो, कैसा लग रहा है? अरे काफ़ी बड़ी मार्केट है। पर हेलो हेलो हेलो, अपना टूर हो गया खलास। ठीक है चाइना वाइज पड़ता ही नहीं ना। वाह यार खरीदो लो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक ठोको, शेयर करो, कमेंट करो। हाँ फाइनली गाइस हम तो अभी थक गए हैं, अब जा रहे हैं हम खाना खाने। ये रहा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा खाना इधर मिलता है, आप आ सकते हैं। पूरे इंडियन वाली फीलिंग आती है, मैं हमेशा इधर ही आता हूँ जब भी मेरे को
भूख लगती है मैं जब बना नहीं पाता, वैसे तो खुद ही बना लेता हूँ। आज हमारे जलेबी, फिर वेटिंग के बाद हमारा खाना आ चुका है। ऑर्डर करा भाई ने पालक पनीर और भिंडी। पालक पनीर और भिंडी खाएंगे, थोड़ी सी ये देखो हमारे भाई साहब को छोड़ने करण बाबू भी आ रखे हैं, अभी चलते हैं इंडिया को। तो अभी जाने की तैयारी हो गई है भाई साहब की। इंडिया के एयरपोर्ट में हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन यहाँ हम जा सकते हैं। ओके ठीक है, हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हम ओमान के एयरपोर्ट के अंदर हैं। हाँ। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी आ सकता है जा सकता है, कोई भी ड्रॉपिंग के लिए जो आते हैं, रश वगैरह भी नहीं, रश वगैरह भी नहीं होता और रोकते भी नहीं आपको कि आप अंदर नहीं जा सकते। जैसे अपने इंडिया में रेलवे स्टेशन है वैसा ही सीन है, आप अंदर जा सकते हैं इजीली और किसी को भी ड्रॉप कर सकते हैं। नाच करके दिखाना। अरे वाह मजा आ गया, क्या नाश्ता है करण। बस इमिग्रेशन के बाद अंदर तक हम नहीं जा सकते, बस इतना सा फर्क है। जब आप एयरपोर्ट के अंदर आते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल लिखी होती है, फर्स्ट साइन बोर्ड। तो भाई साहब हमारे जा चुके हैं, अब हम भी निकलते हैं। वाह भाई वाह, देखा कितना मजा। करण थक गया, क्या आ रहा है करण, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। जो इधर की सिटी बस होती है देख सकते हैं, हमें भी बैक टू जाने के लिए मिल चुकी है। करण बड़ा उतावला है जाने के लिए। ये यहाँ के एयरपोर्ट के अंदर मौसल की बस होती है, बस जो कि हमें मिल चुकी है।